हेलो ब्रीवन वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली आज का वीडियो रहेगा 835 थर्टी फाइव सक्षम प्रैक्टिस सेट को वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इससे पहले 834 में भी उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें ट्रायंगल के बारे में हमने बात की थी उसमें 26 मैंने जो है टिक किया था मैंने काउंट उसमें ट्वेंटी के आसपास करवा देते ठीक है दोस्तों ठीक कर लेना उसमें ट्वेंटी आपके ट्राइंगल होंगे तो इसमें आज स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी पहला क्वेश्चन आपके पास था कि कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा एक पेरीफेरा डिवाइस नहीं है तो आपको जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ ना आप या तो नोट कर लो उसे वैलेंडन है अगर नोट नहीं करते हो तो बस दिमाग में वो सारी चीज़ें रखो क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं कोशिश की जाती है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बता दी जाए ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे फेरी फेरी डिवाइस आपके पास क्या होती हैं वो ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं जिनको कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं ये कंप्यूटर के साथ जो लगी हुई होती हैं और कंप्यूटर की वर्किंग को वो इन्हांस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेज होती हैं जैसे आपके पास कीबोर्ड होता है माउस होता है ये आपके पास इनपुट पेरीफेरियर डिवाइस हैं इसी टाइप से आपके पास आउटपुट पेरीफेरियर डिवाइस होते हैं जैसे डिस्प्ले हो गए जैसे हम मॉनिटर के बारे में बात करते हैं लास्ट अगर एग्जाम में आपने देखा होगा तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वो एक आउटपुट दिखाता है तो वो भी आपके पास क्या एक पेरीफेरियर डिवाइस है इसी टाइप से आपके पास स्टोरेज पेरीफेरियर डिवाइसेज़ होते हैं जिसमें आपके पास हाँ एच आता है आपके पास पेन ड्राइव्स वगैरह आती हैं जो, जो स्टोरेज का, का काम करती हैं तो ये सभी क्या काम कर रहे हैं ये कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको बढ़ा रहे हैं एनहांस कर रहे हैं उसको यहाँ पे कौन सा नहीं बोला था तो इसलिए यहाँ पे जो मॉनिटर होगा सॉरी मदरबोर्ड जो होगा इसका आंसर हो जाता है मदरबोर्ड क्या है मदरबोर्ड एक सिंपल एक सर्किटरी होती है वो आपका उसके ऊपर जो है बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स माउंट किए जाते हैं और एक वो पाथ प्रोवाइड करवाती है कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है इतनी बात क्लियर क्लियर आपको होनी चाहिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक कंप्यूटर के शुरू होने और रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रूरी हिस्से लोड करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को आपको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस अब इस बूटिंग से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं जिसमें एक बायस आता है आपके पास पोस्ट आता है ठीक है पावर सेल्फ इनपुट आउटपुट या पावर सेल्फ टेस्ट जैसे बोला जाता है तो उसमें होता क्या है बस इसको थोड़ा समझना क्योंकि हमें बहुत अंदर नहीं जाना है बस आपको ही समझना है यार कि देखिए जब भी लाइट जब जाती है ना कंप्यूटर अपना ऑफ हो जाता है यानी रैम में जो भी चीज़ होती हैं वो आपकी हट जाती है रैम में जो चीज होती है वो सारी चीजें आपकी हट जाती हैं क्योंकि रैम कैसी है एक वॉलोटाइल मेमोरी आपके पास होती है सभी लोग जानते हैं ना उसको हम परमानेंट मेमोरी नहीं कहते तो इसका काम क्या है बेसिकली बूटिंग का काम जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपका रैम के अंदर आएगा और वहां पे वो लोड होना शुरू होता है या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को एक जो चेक करने की प्रोसेस होती है जिसे पोस्ट बेसिकली बोला जाता है और स्टार्ट से लेकर और जब तक वो ओपन नहीं हो जाता यानी जैसे कंप्यूटर का स्विच ऑन करोगे और कंप्यूटर में जो आपको एक डेस्क जो विंडो दिखती है जहाँ पे स्टार्ट बटन और सारे आइकन्स दिखते हैं तब तक की जो ये प्रोसेस होती है उसे बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है उसमें कुछ भी नहीं होता उसमें आपके पास जो आपके मदरबोर्ड ये मदरबोर्ड है रैम वगैरह जो है या और कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है या कोई ख़राब तो नहीं है तो इसी इन्हीं सारी चीज़ों को बूटिंग बोला जाता है फिर बूटिंग दो टाइप से होती है एक कोल्ड बूटिंग होती है एक आपके पास वार्म बूटिंग होती है हॉट बूटिंग जिसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग में क्या है कि जब कंप्यूटर पूरा ऑफ है तब आप ऑन करते हो तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है ठीक है और अगर वार्म बूटिंग के बारे में बात करूँ तो आप क्या करते हो कंप्यूटर ऑन है उसी ऑन कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट करते हो तो उसको वाम बूटिंग कहा जाता है तो बस सिंपल बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस इस ऑन करने की प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होगा लोड होता है रैम में और साथ ही साथ में आपके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं या जो आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको चेक किया जाता है दैट्स इट मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ बस चीज़ों को समझो आगे हम बारे में बात क्या करने वाले हैं आगे हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती हैं तो ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से है क्या है कहने का मतलब यह है कि इसमें आंसर जो होना चाहिए इसका इनमें से कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एक्सेल सीट होती है ना आप अगर ध्यान देंगे एक्सेल आपके पास कुछ ऐसा होता है इस टाइप से एक्सेल होते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं कुछ कॉलम और कुछ रो मिल जाते हैं अगर थोड़ा सा आपको पता हो और यहाँ पे अगर हम छोटे एक की बात करें तो इस एक को क्या बोला जाता है यहाँ पे सेल भी बोला जाता है ये भी आप सभी लोग जानते होंगे एक्सेल से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ठीक है यूगेटर प्लस ए के पैसे में शायद नहीं पूछे जाते हैं तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए तो ये जब आपके पास होता है ना ये आपने अगर देखा होगा अगर आप कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं, तो ये सबको दिख जाता है तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है यहाँ पे सीट देखना कभी यहाँ पे सीट लिखा होता है एक सीट दो सीट तीन सीट तो बाई डिफ़ॉल्ट देखो क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाई डिफ़ॉल्ट किसी फाइल के अंदर कितनी सीट हो सकती है तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास तीन सीट होती है जो मतलब पहले से आती हैं यहाँ पे होता है पहला दूसरा तीसरा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसमें अनलिमिटेड मतलब बहुत सारी जो है सीट्स को जो है खोल सकते हैं कैसे खोलते हैं उसके लिए भी शायद जितना मुझे ध्यान है आप कंट्रोल के साथ आप अगर F11 अगर डालेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगी एक नई सीट का फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है बाकी अगर आप जानते होंगे तो यार यहाँ पे आपको 15 या 16 लाख के आसपास आपके रोज़ होती हैं और थाउजेंड में टेन थाउजेंड के आसपास इसमें आपके पास कॉलम्स होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें से इनमें से कोई नहीं इसका आंसर कर लेना और बस ध्यान रखना कि डिफॉल्ट जो होती हैं सीट्स आपके पास वो तीन सीट होती हैं और साथ साथ में इसको आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है अब देखो ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला जो वायरस होता है इसको मैं क्या नाम देता हूँ माइ मैक्रो वायरस इसको क्या नाम देता हूँ मैं इसको मैक्रो वायरस नाम देता हूँ अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपको समझ में आता है एप्लीकेशन कैसे एप्लीकेशन फोटोशॉप ये आपके पास पी रीडर्स वगैरह जो होते हैं आपके पास पीपीटीस वगैरह जो होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं एक सॉफ्टवेयर ही तो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एक सॉफ्टवेयर ही तो है तो ऐसे वायरस जो आपके पीपीटी हो गया या कोई पीडीएफ फोल्डर हो गया इनमें अटैच होके आ जाए तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐसे जो वायरसेस होते हैं उनको हम मैक्रो वायरस कहते हैं इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है अब फाइल वायरस से आपको समझ जो में आता है जब फाइल में वायरस है उसको फाइल वायरस कहते हैं लेकिन एक्जैक्टली exactly वो भी तो फाइल फाइल ही होती है ना पी वगैरह वाली जो होती हैं आपके पास पीपीटी वाली जो फाइल्स होती हैं वो भी आपके पास फाइल ही तो कहते हैं लेकिन एक्चुअली में उनका जो नाम होता है उनको मैक्रो वायरस बोला जाता है बाकी एंटी सभी लोग जानते होंगे एंटी मतलब जो वायरस को किल करने का काम करेगा ठीक तो उसको एंटीवायरस बोला जाता है बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बूट वायरस बूट जो प्रोसेस होती है उसको बूट वायरस बोला जाता है लेकिन इसलिए यह ध्यान रखना क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन में ध्यान रखने वाली बात ही है जो हमारे पास जो ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो राइटिंग वगैरह के होते हैं पीपीटी वगैरह के होते हैं वर्ड्स वगैरह के जो होते हैं इनके साथ अटैच हो के अगर कोई आपके पास वायरस आ गया तो इसे बोला जाता है मैक्रो वायरस चलिए आगे बढ़ेंगे आगे क्या है क्वेश्चन कि यार कोई हार्डवेयर डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम है जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है क्या कहलाता है देखिए जैसे हम सिंपली बात करते हैं देखो हम जब इंटरनेट चला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कम्युनिटी कम्युनिकेटी किया जाता है मैसेज भेजते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यार हम मैसेज जो भेजते हैं तो आपके पास ये कुछ मैथड हैं अब ये सारे के सारे मेथड क्या हैं ये सारे के सारे मेथड आपके पास नेटवर्किंग में यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए लेकिन हर एक का कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है जैसे कि आप लोग जानते हैं लेन हो गया मैन हो गया और वेन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है तो जैसे इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अगर नहीं पता तो पढ़ लेना तो इसी टाइप से जो डिफरेंस होता है वैसे इनमें भी आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा अब जो इनमें डिफरेंस होता है हमें पूछा है कि वो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है हार्डवेयर हो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो अब देखो होने के लिए जैसे ब्रिज है ये आपके पास क्या है एक हार्डवेयर है ठीक ये आपके पास क्या है एक हार्डवेयर डिवाइस है ये आपके पास जैसे राउटर है ये आपके पास हार्डवेयर के साथ साथ आपके पास सॉफ्टवेयर भी है ठीक इस टाइप से कुछ होता है ये गेटवे भी आपके पास क्या है ये भी आपके पास मैसेज ही भेजता है मतलब आपका कम्युनिकेशन बनाने का ही काम आता है जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूँ जैसे ब्रिज हो गया ये लेन और लेन को जोड़ने का काम करता है लेन और लेन को जोड़ने का ये काम करेगा कैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक हब बनाया देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए यहाँ पे भाई मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं ये मेरे पास क्या एक हब है ठीक ये है ये कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है मान लो कि ये एक कैसा है एक लेन नेटवर्क है और बीच में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर एक ब्रिज लगा दिया कुछ ऐसा है ये मेरे पास क्या हो गया एक ब्रिज हो गया और यहाँ पे भी मैंने एक और बना दिया कंप्यूटर जिसको मैंने हब नाम दे दिया और इस इस लेन को इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अटैच कर दिया है ना तो ये क्या करेगा ये यहाँ पे इसको अटैच करने का काम करेगा यानी कम्युनिकेट करवाने का ये काम कर रहा है ये ब्रिज है तो ये वाला लेन और ये वाला लेन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपका ब्रिज करवा रहा है पहली बात दूसरी बात ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने राउटर के बारे में बात की राउटर में क्या होता है आपके पास ये भी सेम है लेकिन जैसे आपके पास ब्रिज है ना कि वो लेन और लेन के बीच में करवाएगा तो ये आपके पास क्या कर सकता है ये डिफरेंट नेटवर्क में कर सकता है जैसे लेन और आपके पास वेन के बीच में करवा दिया कुछ इस टाइप से लेकिन यहाँ पे इसमें एक हमारे पास क्या होता है ना ये एक पैकेट के फॉर्म में आपके पास डेटा को सेंड करता है पैकेट के फॉर्म में कैसे जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पर एक वो लगा दिया फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अब थोड़ा सा वीडियो शायद लेंदी हो जाएगा बट चलिए खैर कोई बात नहीं जैसे मैंने कहा राउटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एक राउटर लगाया कुछ ऐसे तो यहाँ पे ये यह राउटर क्या काम करेगा जो ये पैकेट्स की फॉर्म में जो आएगा ना डेटा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं ऐसे ये डिफरेंट पाथ है अब यह पाथ है यहाँ पे एक मैंने एक और लगा दिया और इसके बाद एक मैंने हब लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास और भी कंप्यूटर हो जाते हैं मतलब एक नेटवर्क मेरा ये है एक नेटवर्क मेरा ये है अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर यार बहुत सारे मैसेजेस हैं तो ये वाला पाथ और इसमें केवल एक ही मैसेज आ रहा है इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर या फाइव मैसेज आ रहे हैं तो ये वाला पाथ क्या है थोड़ा खाली सा पाथ है तो ये क्या काम करेगा मेरे पास ये क्या है मेरे पास यहाँ पर राउटर है ये मेरे पास क्या है राउटर है तो ये राउटर का काम क्या है कि इस डेटा को इस वाले पोर्शन से इस डेटा को यहाँ पे सेंड करने का काम करेगा और जो इसको पाथ छोटा सा पाथ दिख रहा है ये उस पाथ में उसको सेंड कर देगा कम्युनिकेट कराने का काम करेगा यहाँ से डेटा को सेंड करेगा और ये वाला ये एंड जो है ये रिसीव करने का काम करता है बहुत इतने, इतनी इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए इसी टाइप से आपके पास क्या है यहाँ पर आपके पास एक गेट भी आ जाता है अब ये गेट का काम क्या है ये भी सेम कुछ इसी टाइप से वर्क करते हैं जैसे आपके पास बैकबोन है ये भी आपके पास क्या है नेटवर्क ही है जो आपके पास नेटवर्क हो गया और कुछ सब नेटवर्क हो जाते हैं उनको कनेक्ट करके आपको कम्युनिकेट करने के काम आता है अब आपका काम है आप जाइए इंटरनेट में देखिए आपके पास गेटवे कैसा होता है आपके पास बैकबोन कैसे होती है ठीक तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बोला था कि मैसेज भेजने का काम कौन करता है वो आपके पास जो है राउटर इसका आंसर आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है राम रमेश का पिता है अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे राम रमेश का पिता है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे राम को बना लेते हैं जो राम है वो रमेश का पिता है तो हम राम को यहाँ बना लेते हैं ये भाई मेरे पास हो गया राम राम को हमेशा मैं कुछ इस टाइप से बनाता हूँ सो दैट कि मुझे पता चले कि ये क्या है आपके पास एक मेल है तो राम जो है रमेश का पिता है तो भाई रमेश इसका बेटा हो गया हमने इसको ऐसे बना दिया कि भाई ये बेटे जी हैं हमारे ये रमेश के राम के बेटे हैं रमेश फिर हमने सेकेंडरी क्या किया वेदमती राम की सास है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये राम की एक वाइफ होगी राम की वाइफ है तो मैंने इसके लिए रिलेशन कुछ ऐसे बना दिया यहाँ पे ये है राम इनकी एक सास होगी ये सॉरी इनकी वाइफ राम की यहाँ पे कौन होगी वाइफ होगी तो जो भी इनकी वाइफ है वेदमती राम की सास है मतलब वाइफ की मदर तो वाइफ़ की मदर यानी इसकी जो पत्नी है उनकी माँ तो यहाँ पे यह आ जाएगा और ये क्या है इनका नाम इनका नाम है आपके पास वेदमती तो मतलब मैंने इसको वेद से नोट कर लिया है ठीक ये कौन है ये वेदमती है वेदमती की माता वसुंधरा है वेदमती की भी एक माता है यानी वेदमती से ऊपर इनकी एक माता है यहाँ पे और इनकी माता माता का नाम क्या है इनकी माता का नाम है वसुंधरा ठीक वसुंधरा है जिसका पति हरीश है अब इस वसुंधरा का पति कौन है हरीश है तो हम इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से और हमारे पास हरीश के बारे में बात हो रही है तो भाई यहाँ पे हरीश लिख लो कुछ ऐसे इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए अब देखिए लाइन जहाँ पे समस्या क्रिएट करती है वह है रमेश का हरीश से क्या संबंध है अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रमेश का हरीश से क्या संबंध है अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रमेश हरीश का क्या लगता है रिलेशन में हमेशा ध्यान रखना जब आपको जो चीज़ पहले पूछी जाए ना जैसे रमेश का हरीश से क्या संबंध है इसका मतलब हो गया कि रमेश हरीश का क्या लगता है देखो गलत मत कर देना इसे क्योंकि अक्सर अब देखो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं और आप आ, अगर नहीं आता तो वेलेंडन है ए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि हरीश रमेश का क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ये भी किया होगा हरीश रमेश का परनाना है लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो रमेश है वो हरीश का क्या लगेगा तो रमेश हरीश का क्या है तो ये भाई रमेश है है ना अब देखो ये रमेश हो गया रमेश किसका बेटा है राम का बेटा है और राम के साथ कौन है ये वेदमती है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रमेश जो वेदमती है वो रमेश की नानी हो गई ये कह सकता हूँ ना मैं रमेश जो है वेदमती का क्या हो गया नाती है हम इसे ऐसे कह सकते हैं अच्छा दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो वेदमती है उसकी भी माँ है उसकी भी माँ है और हरीश उसका हस्बैंड है तो कहीं ना कहीं कि आपको नहीं लगता है कि यार जब ये वेदमती का जो रमेश है वो नाती है तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे वसुंधरा का तो ये भी नाती होगा लेकिन पर नाती होगा क्या होगा नाती तो होगा तो अब वो पर नाती को पर नाती ना बोल के हमने सिंपल नाती कह दिया इसका मतलब मैं यहाँ पे यह कह सकता हूँ कि रमेश जो है हरीश का नाती है अरे भाई जब वसुंधरा का होगा तो हरीश का भी तो होगा है ना देखो ये नाना का आ, कैसे बोलेंगे इसके हम बोलेंगे नानी की माँ इस टाइप से रिलेशन चलेगा तो कहने का मतलब मेरा सिंपल है यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रमेश का हरीश से क्या संबंध है तो मतलब रमेश हरीश का क्या लगता है ये है मतलब और अगर आप ये सोचोगे कि यार जो हरीश है वो रमेश का क्या लगेगा तो देखो जो हरीश है वो रमेश का क्या लगेगा फिर पर नाना लगेगा तो फिर आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए ठीक है अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा जैसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही बनाने हैं रमेश इसका क्या लगेगा क्लियर है बात चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्टी टू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे एक संख्या तीन से अधिक है और आठ से कम है अब देखो एक संख्या बोला तीन से अधिक है और आठ से कम है तो संख्या क्या हो सकती है तीन से ज़्यादा है तो चार हो सकती है पाँच हो सकती है छः हो, हो सकती है और सात हो सकती है इसने ये तो बोला आठ से कम है और तीन से ज़्यादा है तो यही तो बन सकता है चार पाँच छः सात और दूसरा क्या बोला यदि वह संख्या छः से अधिक है अब छः से अधिक है ना तो छः से अधिक क्या हो सकता है सात हो सकता है ट हो सकता है लेकिन आठ नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे इसने ऑलरेडी बोला है कि आठ से कम है तो इसका मतलब एक यही तो नंबर है सेवन और सेवन वो संख्या आपके पास सेवन होगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखा पत्तियों से उसी प्रकार संबंधित जैसा पहिया देखिए आप इसको कैसे देखते हैं भैया हमारे पास जो पंखा होता है उसमें होती है पत्तियां इसी टाइप से हमारे पास जो पहिया है पहिए में क्या होते हैं ताड़ियां होती ताड़िया मतलब होता है स्पोक्स स्पोक्स का मतलब क्या होता है ये इस टाइप से ये टायर होता है ना तो ये ये हो गया स्पोक ये वाले चलिए ये भी शायद एग्जाम उग्जाम में आओगे ये क्वेश्चन पहले भी आगे बात करेंगे देखिए एक खुले मैदान में मनो उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है और वह बाएं मुड़ता है देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक वही तरीका जो शायद आपने पहले भी किया होगा पैथोगोरस थ्योरम से और पैथोगोरस थ्योरम से नहीं करना है तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं दूसरा तरीका क्या होता है हम ऐसा कुछ करते हैं इसको प्लस माइनस लेके ये मेरे पास प्लस ये माइनस ये, plus, ये प्लस ये माइनस इधर प्लस माइनस नहीं आएगा ये वाली साइड आएगी प्लस और ये वाली साइड आएगी माइनस इस टाइप से अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि खुले मैदान में मनु उत्तर दिशा की और 20 मीटर चला तो अगर इसने उत्तर बोला है तो हमारा उत्तर होता है पॉजिटिव तो मतलब इसमें ऐसे लिखना है हमें पॉजिटिव 20 पहली बात और उत्तर बोला ना तो हम इसको क्या लिखेंगे हम इसको दिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन प्लस ट्वेंटी नॉर्थ वह बाएँ मुड़ता है अब ध्यान रखना पहले उत्तर की तरफ चला और फिर बाएं मुड़ा मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा और ये कौन सी डायरेक्शन है मैं पश्चिम डायरेक्शन और 40 मीटर चलता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस माइनस फोर्टी और कौन सी आ जाएगा ये वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी फिर वो बाएँ मुड़ता है और पचास मीटर चलता है बाएँ मुड़ने का मतलब भाई अगेन ही नीचे आया होगा ऐसे यहाँ पर मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है कितना चल रहा है पचास यानी हम क्या लिखेंगे अगेन माइनस और कौन सी डायरेक्शन ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी क्लियर ध्यान रखिएगा हमेशा कनेक्शन यानी हम एडिशन अपट्रैक्शन करते हैं ईस्ट और वेस्ट का या नॉर्थ और साउथ का सेम एज यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं हम यहाँ पे देखो साउथ से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि नहीं साउथ से मतलब है हमें मैंने क्या बोला आपको ईस्ट और वेस्ट के बीच में होगा कनेक्शन और साउथ और नॉर्थ के बीच में होगा कनेक्शन मतलब घटेगा जुड़ेगा एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा सब इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे साउथ के साथ नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा आपके पास 50 और 20 आपको क्या मिला यहाँ पे माइनस थर्टी और माइनस थर्टी क्या मिलेगा साउथ मिलेगा क्लियर अब यहाँ पे माइनस फोर्टी ऐसे ही रहने वाला है कितना आएगा माइनस फोर्टी वेस्ट आ जाएगा क्लियर अब देखो मैंने जैसा कि आपको कहा साउथ और जो हमारे पास वेस्ट हो गया वो कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो अब इस केस में हम क्या करेंगे इनका करेंगे स्क्वायर देखो थर्टी का स्क्वायर कितना होता है नाइन हंड्रेड और हम करेंगे एडिशन किसका फोर्टी का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन हंड्रेड और इनका निकाल लेना रूट ऐसे मतलब हम एक सिंपल क्या देखना है अगर किसी को ये करना नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं पैथागोरस वाला हालांकि आसान है इतना टफ नहीं है तो हम सिंपल करेंगे इनका स्क्वायर यानी नाइन हंड्रेड प्लस इसका कितना हो जाएगा आपके पास 1600 इन दोनों का एडिशन अगर आप देखोगे तो आएगा 2500 ऐसा आएगा तो ये किसका स्क्वायर होता है ये आपके पास किसका हो जाएगा 50 का हो जाएगा ठीक है बात समझ में ही इतना आ जाएगा ना ये ऐसे आएगा ये तो ये आपको ध्यान रखना है कि यार ये किसका स्क्वायर बनेगा ये इसका स्क्वायर बनेगा तो जब जब कभी ऐसी कंडीशन आती है ना जहां पे एडिशन सफ्ट्रक्शन नहीं होता है तब तब आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर सकते हैं यहां पे अपने को चेक करना है यहां पे देखना है कि यार ये किसका स्क्वायर बनता है तो जिसका भी स्क्वायर बनता है वो इसका आंसर हो जाता है बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है नाइन्टी फाइव क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे किसी निश्चित कूट में ये कुछ समथिंग ये है तो आपको बताना है कि इसको क्या बोला जाएगा देखो यहाँ पे पहले देखो क्वेश्चन के एक तरीका बताता हूँ देखो जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे ना तो मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा डेबियट करके आंसर दे डेबिएट करने का मतलब ये होता है देखो अगर आप देखोगे ना एफ ओ एस डी और ओ एफ ओ एफ डी एस ये दोनों को एक जैसे ही हैं यहाँ पे ध्यान दोगे ये वाला और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है तो इन दोनों में से आंसर रेयर चांसेस होते हैं अगर तो कभी कभी मारना हो ना बन रहा हो तो तब ऐसे चीज़ों को देखा करो क्योंकि इसमें लगभग लगभग आपको अलग तो नहीं मिलने वाला थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करके मिलेगा एक जैसे ही होते हैं तो जो एक जैसे होते हैं आंसर में भी वही चीजें आती हैं जैसे अभी अपन क्या करने वाले हैं बहुत सिंपल है आपके पास जैसे आर बी आई और डी ये है और यहां पे क्या बनाया है जी एम आई और डी ठीक अब यहां पे आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी यार हम इसको कैसे बना रहे हैं हमें इससे ना इसे बनाना है इससे इसे बनाना है कैसे बने गई देखिए बी से आ जाओ जी की तरफ तो बी से सी डी ई एफ और जी यानी प्लस फाइव आपको करना पड़ रहा है ठीक और उसके बाद उसके बाद आप डी से आ जाओ आई की तरफ तो डी से आई की तरफ आओगे तो आप ई एफ जी एच आई यानी प्लस फाइव है ये भी सही है इसमें भी शायद समस्या नहीं होनी चाहिए और उसके बाद आप इधर से ऊपर की तरफ आ जाओ ऐसे प्लस फाइव और सेम यहां से डी से आई की तरफ आ जाओ प्लस फाइव क्या किया मैंने यहां पे सबसे पहले हम जाएंगे बी से यहां पे लिखेंगे तो ए से आगे आ जाओ तो बी सी डी ई और एफ तो मतलब यहां पे आ जाएगा आपके पास एफ यहां पे प्लस फाइव बात क्लियर उसके बाद हम क्या करेंगे इस वाले पोजिशन पर यहां पर लिखेंगे इस वाले पोजिशन यानी आई के नीचे आई के नीचे एन के बाद ओ पी क्यू आर और एस यानी यहाँ पे आ जाएगा एस यानी क्या एफ़ और एस कहीं हैं आप ध्यान देना इसमें एक ये है एफ़ और एक ये है एस यानी सी वाला आंसर हो जाएगा चाहो तो इसके बाद भी आप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मान लो मैं यहाँ ओ बना दूँ इसके बीच में क्या होगा ओ तो ओ से अगर आप टी की तरफ जाओगे तो आपको प्लस फाइव करना पड़ेगा ठीक और फिर यहाँ पर सेम आपके पास डी है डी से आप चले जाओ वैसे ऊपर की तरफ ये आपके पास प्लस फाइव देगा यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात यह भी हो जाती है कि यार जैसे आपके पास आईओ डी है ना तो आईओ डी यहां आईओ डी यहां पे भी है और इस आई डी से कहीं ना कहीं ये चीजें बनी हैं तो अब इसी बात है यार वही कूट कुछ यहां पर भी यूज किया होगा अब ये सारी चीजें तब आती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं आगे बढ़ते हैं अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हम क्या करते हैं हम बनाते हैं ग्रुपिंग जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ये ट्वेंटी का ग्रुप है अब ट्वेंटी का ग्रुप है मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग करते हैं या तो आप तीन तीन के ग्रुप बनाओ या तो चार चार के ग्रुप बनाओ फेमस वैसे तीन और चार का ही है तो हम चार का ग्रुप लेके ही चलते हैं मैक्सिमम टाइम या तीन का बन रहा तो तीन का भी लेके चल सकते हैं अगर आपके पास ये अल्फाबेट बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप इसमें चार का ग्रुप बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे चार के ग्रुप बनाया मैंने देखा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इस टाइप से ठीक अब देखो जब मैंने ये ग्रुप बनाया आपको क्या चेक करना होता है देखो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में कुछ था नहीं था यहाँ स्टार्टिंग में सी था क्या कहीं और सी है आपने देखा सी यहाँ पे भी है आपने क्या देखा फिर दूसरा स्टार्टिंग में ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है है कि नहीं है यहाँ पे भी है कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं कुछ चीज़ें मैच कर रही कुछ चीज़ें नहीं मैच कर रही इसको बोला जाता है डबल रिपीटिशन अब ये कैसे पता चलेगा आपको ये डबल रिपीटेशन इसलिए पता चल पा रहा है मुझे क्योंकि मैं क्या चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे यार यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है यहाँ पे भी सी ए है यहाँ पे भी ए सी है यहाँ पे भी ए सी है है कि नहीं है तो क्या मैं इसको थोड़ा कुछ ऐसा कर लूँ कैसे जैसे यहाँ पे ए सी बी था और यहाँ पे डी है तो मैं इसमें डी लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे ठीक अब यहाँ पे क्या है ए सी बी तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ ऐसे अब क्या मैं और फील कर सकता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है सी ए देखना क्या सी बी है बीच में जी है तो ये सी बी में क्या यहां आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा सेम जो हमने यहाँ फील किया ना ए सी बी और डी अब यहाँ पे ऐसा ध्यान रखो ए डी किस में आ रहा है स्टार्टिंग में क्या इसमें बी ए है ये हो नहीं सकता बी ए है ये हो नहीं सकता ए डी इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो लास्ट वाला बी वाला चेक कर दो लास्ट में क्या आ रहा है बी आ रहा ना ठीक है तो हम इसमें चेक करते हैं बी ए सी बी डी तो ए आ रहा है न बी तो मतलब क्या यही आंसर बनेगा इसका चले देख लेते हैं चले देख लेते हैं इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है सी ए तो सी ए के बाद यहाँ पे डी लिख दो थोड़ा ये डी आ गया फिर उसके बाद जैसे गड़बड़ हो रही है ए हो गया डी हो गया फिर से डी आया और फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई यहाँ पे डी नहीं आ रहा ना यहाँ पे गड़बड़ हो रही ना देखिए यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हो गई तो इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं बनने वाला है तो हमारे पास चलो ये वाला पुट करके देखते हैं ऊपर वाला ए डी फिर से डी और फिर से डी और फिर यहाँ पे आएगा डी C A D B, C A D B, तो हाँ तो ये नहीं आ रहा ना ये ऊपर वाला बन रहा है ठीक है तो C इसका आंसर हो गया तो ये ऐसा बनेगा देखो डबल रिपीटेशन का मतलब क्या होगा देखो पहले A -C, A C B D, फिर A C B D, फिर A C B D, एक एक छोड़ के और यहाँ पे आ रहा है सी ए डी बी यानी पहले ए सी बी डी फिर सी ए डी बी फिर ए सी बी डी और फिर सी ए डी बी ये इस टाइप से रिपीट होता है तो इसको डबल रिपीटेशन बोला जाता है अगर आपको नहीं आते बिल्कुल नहीं आता है जीरो हो आप चीज़ें कभी नहीं सीखी है तो आप एक काम कर सकते हो रीजनिंग सीखनी है तो एकेडमी का ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना उसमें आपको रीजनिंग पूरी करवा रखी है ठीक है वहाँ पढ़ लेना अगर नहीं आता है तो उसकी फीस भी बहुत कम है बाकी आपकी इच्छा है चलिए आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ बढ़ेंगे वर्टिकल शब्द में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम लिखना है वर्णानुक्रम का मतलब ये हो जाता है कि पहले जो आता है पहले उसे लिखो जैसे यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या आएगा भाई सबसे पहले ए आ आ, आएगा सिंपल सी बात है उसके बाद क्या आएगा ए के बाद देखो बी है कहीं नहीं है सी है कहीं है तो उसके बाद सी आएगा क्या डी ई एफ जी एच आई देखिए ये देखते रहे ना तो हमारे पास आ जाएगा फिर उसके बाद ई e, फिर एफ जी एच आई आई है फिर जे के एल एल है एल आ गया फिर क्या आ जाएगा आपके पास आर आ जाएगा फिर आपके पास टी आ जाएगा और उसके बाद आपके बाद वी आ जाएगा ठीक तो मतलब ये जो वर्टिकल है ना ये वर्टिकल को मैंने अरेंज कर दिया है अब क्योंकि मैंने इसको अरेंज किया है तो अब आपको क्या देखना है कि कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या देखो वी का स्थान क्या वी है नहीं है देखिए ऊपर वाले जितने भी हैं ना कोई मैच नहीं करेंगे सबके सब चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पे एक भी नहीं है जो आपका जो स्थान है वो एक जैसा हो सबके अलग अलग स्थान हो गए तो इसलिए आपके पास आंसर क्या बन जाता है इसका डी नाइनी नाइन क्वेश्चन इस नाइनटी नाइन क्वेश्चन में आप क्या करेंगे थोड़ा सा पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं डिफरेंस चेक करने का मतलब यह है कि बारह से पाँच माइनस कर लीजिए बारह से माइनस करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे हमें वन फॉर्टी चाहिए था ना ऑप्शन छोटे छोटे हैं चलो इसको ऐसा करके देते हैं यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा सैवन मिल जाएगा बारह से तेईस तेईस से बारह माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है थ्री माइनस टू वन हो जाएगा टू माइनस वन आपको कितना मिलेगा वन मिलेगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे 43 से 23 माइनस आपको करना है तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 20 मिल जाएगा फिर यहाँ पे आप इसे माइनस कर लीजिए आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 7 माइनस फोर आपको मिलेगा 36 चलिए ठीक है तो क्या कुछ बन रहा है यहाँ से एगेन हम ये काम भी कर सकते हैं अगेन यहाँ पे 11 माइनस सेवन कर लीजिएगा तो हमें फोर मिलेगा इलेवन माइनस ट्वेंटी यहाँ पर कितना मिलेगा नाइन मिलेगा और ट्वेंटी माइनस यानी मिलेगा सिक्सटीन तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई क्या यार ये जो बन रहा है वो टू का स्क्वायर बन रहा है ये जो बन रहा है वो थ्री का स्क्वायर बन रहा है ये जो बन रहा है वो फोर का स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको फाइव का स्क्वायर यानी आपको कितना मिलेगा यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मिलेगा इसका मतलब आप क्या करेंगे थर्टी सिक्स का ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे तो थर्टी सिक्स का ट्वेंटी फाइव ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे थ्री टू प्लस फाइव सिक्स यानी सिक्सटी वन मिलेगा और इस सेवेंटी नाइन को सिक्सटी वन के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा टेन और ये फोर्टी यानी आपको कितना मिलेगा यहाँ पे वन फोर्टी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा क्लियर है बात क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल है हमने क्या किया पहले इनके डिफरेंस चेक किया हमने देखा यार यहाँ पे फोर आ रहा है मैंने देखा सेवन इलेवन ट्वेंटी थर्टी सिक्स सिक्सटी वन आ रहा है उसके बाद अगेन इसका डिफरेंस देखा फोर नाइन सिक्सटीन आ रहा है मैंने देखा यार इसका मैं स्क्वायर कर सकता हूँ इसका स्क्वायर कर सकता हूँ इसको स्क कर सकता हूँ यानी दो तीन चार इसके बाद फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव मैंने क्या किया इसको इसके साथ ऐड किया सो दैट कि मुझे सिक्सटी वन मिले है ना ऐसे तो कर रहे हैं हम ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी वन एंड सेवेंटी नाइन प्लस सिक्सटी वन आपको वन मिलेगा तो वन फॉर्टी यहाँ आंसर हो जाता है उसका तो इसे कर लीजिएगा आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यदि आज बुधवार हो तो अगले रविवार के छब्बीस दिन बाद कौन सा दिन होगा अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है तो कन्फ्यूजन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो आपको सिंपल से काम ये करना है देखिए बुधवार से लेकर और रविवार तक कितने दिन होते हैं बुधवार से लेकर रविवार तक पाँच दिन होते हैं बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि पाँच दिन दिन होते हैं तो फाइव डेज तो वो हो गए और ट्वेंटी रविवार के छब्बीस दिन बाद देखो ये कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि आज आपके पास बुधवार है ये कंडीशन कुछ किसी बन रही है कि अगर आज आपके पास है बुधवार तो अब आपको क्या बताना है थर्टी इकतीस दिन के बाद आपको बताना इकतीस दिन बाद की सिचुएशन क्या होने वाली है ठीक तो एक ये देखो अब इकतीस दिन कैसे आ गए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुधवार से लेकर रविवार तक पांच दिन वो और छब्बीस दिन पहले के यानी रविवार के बाद छब्बीस दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो छब्बीस में पाँच और एट कर देना आपको मिलेगा थर्टी और उसके बाद और डेज कैसे निकालते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं डिवाइड बाई सेवन करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास ट्वेंटी आएगा उनतीस तीस इकतीस यानी आपके पास थ्री और डेज आते हैं ठीक और थ्री और डेज का मतलब बुधवार में आप तीन दिन और आगे आ जाना ठीक और बुधवार में तीन दिन और आगे आ जाओ तो आपको कितना मिलेगा शनिवार जो है इसका आंसर मिल जाता है उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ